बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। जी अंडा डाल दिया हमने। जी अंडा डाल दिया। अच्छा, क्वांटिटी वगैरह देखे माशाल्लाह से काफी भरपूर डाल रहे। अच्छा, इस पे भुट्टे के भी दाने डाल रहे। ये सब डाल रहे। अच्छा, कम से कम 6-7 मसाले हैं इसके अपने। कुछ कुछ दुकानों में एक होते हैं, दो होते हैं, माशाल्लाह से आपके पास काफी सारे मसाले हैं। इसके बारे में कुछ बताएं कि घर के मसाले क्या है? ये सब बाहर के मसाले। अच्छा, ये तकरीबन 2-3 मसाले घर पे बनाते हैं। अच्छा। बगैर सारे मार्केट से लेके आता। अच्छा भाई, काफी सारे इनके पास मसाले और जो है काफी बेहतरीन सूप है, तो आप जरूर आए और ट्राई करें। अभी मैं आपको गोलगप्पे भी टेस्ट कराऊंगा कि भाई कैसे बनते हैं और क्या होता है। एक यूनिक टाइप चीज़ है ये, अलग तरीके से बनाते हैं ये लोग। तो चलते हैं वहाँ की तरफ भी, वहाँ पर भी विजिट कराते हैं। माशाल्लाह से इनका सेटअप आप देख सकते हैं कि छोटा सेटअप है लेकिन काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा मैं आपको लोकेशन गाइड करूँ तो ये लोकेशन है, ये सरीना मोबाइल मार्केट है मेरे पीछे, और ये है वाटर पम्प से थोड़ा सा आगे आएंगे तो सरीना मोबाइल आपको राइट हैंड पे। आप अगर हाईवे की तरफ जाने के लिए मुड़ेंगे, मतलब ये हाईवे वाला रोड लग गया आपका, तो यहाँ आपकी राइट हैंड पे पड़ेगी अपना सरीना मोबाइल मार्केट, और यहीं पे इनके सूप के ठेले लगा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी चीज़ों के ठेले वगैरह लगे हुए हैं। आप सेटअप देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको सूप के बारे में बताऊं कि सूप जो है और जगहों पे 150 कहीं 180 रुपये का मिल रहा है। यहाँ पर माशाल्लाह पापड़ी के साथ, और जो है पापड़ी के साथ सूप जो है यहाँ पर 100 रुपये का मिल रहा है सिर्फ़ और सिर्फ। काफ़ी रिजनेबल प्राइस हैं, और 100 रुपये में आपको और क्या चाहिए इस महंगाई के दौर में। तो सूप आप देख सकते हैं अभी बेहतरीन है, और मसाले आप यूनिक देख सकते हैं कि अलग अलग बर्नियों में अलग अलग मसाले हैं, और कम से कम 6 मसाले हैं ये अलग अलग वैरायटी में। तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पे टेस्ट करें। बाकी मैं गोलगप्पे भी आपको टेस्ट कराता हूँ कि और कैसे बनाते हैं और क्या है। देख सकते हैं मेरे सामने सूप आ गया है माशाल्लाह से, और पापड़ी की क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं। ये एक, ये दो, और ये तीन पापड़ी भाई। तो 100 रुपये में आपको और क्या चाहिए। अक्सर सूप वाले जो हैं वो एक पापड़ी कम से कम रख देते हैं, और इस सूप के साथ 100 रुपये के अंदर आपको। अच्छा, पापड़ी के भी अलग से चार्ज लेते हैं वो लोग, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं है। 100 रुपये में आपको ये सूप भी मिलेगा और ये पापड़ी भी मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको मसालों की तरफ लेके चलूँ तो आप ये चेक कर सकते हैं। ये ब्लैक सॉस आ गया, ये रेड वाला आ गया, और इसके अलावा ये अलग अलग मसाले हैं, अलग अलग सॉस हैं जो मुझे भी नहीं पता खैर, लेकिन ये काफ़ी 6 और 7 ये मसाले हैं। इसके अलावा मैं आपको चेक कराता हूँ कि भाई सूप कैसा है। सबसे पहले मैं पापड़ी डालता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये पापड़ी गई ऊपर। पापड़ी का असल तरीका ये होता है कि ऊपर डालें, क्योंकि अगर हम इसको मिक्स कर देंगे तो ये पापड़ी नरम पड़ जाएगी। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। अच्छा, ये आप चेक करें, ये सूप चेक करें आप। काफ़ी माशाल्लाह से बेहतरीन, काफ़ी क्वांटिटी में इन्होंने चिकन भी डाली है, और काफ़ी अंडा भी, एग जो है काफ़ी भरपूर डाला है इन लोग ने। प्याला माशाल्लाह से भरपूर है, फुल भरा हुआ है, और बहुत बेहतरीन है। अभी मैं आपको पी के चेक कराता हूँ कि टेस्ट कैसा है भाई। तो तैयार हैं आप लोग भी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गरम है, काफ़ी बेहतरीन है, तो जायका भी, और चिकन तो मेरे मुंह में माशाल्लाह से घुल रही है, समझे। अच्छा, ये प्याली आ गई। जी सर, ये प्याली आ गई, अब इनकी फिलिंग हो रही है। इसमें चने ऐड हो रहे हैं, आलू हैं। अच्छा, चनों की क्वांटिटी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं।
गोल गप्पे हो गए अभी, ये माशाल्लाह से बेहतरीन। बाकी हमारे पास जो है चना चाट भी है, दही बड़ा चाट भी है। अच्छा, चना चाट भी है और दही बड़ा चाट, दही बड़ा चाट भी है। अच्छा, ये देख बिल्कुल मुनासिब प्राइस में। अच्छा सर, ये बताएं गोलगप्पे की प्लेट और चाट की कितने की प्लेट है? सर अगर आप यहाँ पे खाएंगे तो गोलगप्पे की प्लेट जो है 110 की है, पार्सल में जो है 130 की है। 110 में जो है 10 की क्वांटिटी है और 130 में जो है 12 की क्वांटिटी है। बेहतरीन बेहतरीन। अभी आपको पानी भी चेक करके बताएंगे भाई। सबसे ज़्यादा फेवरेट जो होता है लोगों का पानी ही होता है और मीठी चटनी होती है। मीठी चटनी कोई होती है। चेक करके आपको मेन चीज़ बताएंगे कि कैसी है। ये इसमें चाट मसाला ऐड हो रहा है, ये चाट मसाला आ गया। अच्छा, ये देख सकते हैं काफ़ी सारे मसाले हैं। ये पानी आ गया। तो सर ये आपको अपने बनाया हुआ पानी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये गुड़ की चटनी है। गुड़ की चटनी आ गई, इसमें गुड़ और प्लस खजूर ऐड होती है। अच्छा जी, बिल्कुल मुनासिब प्राइस में है यहाँ पे। इंशाल्लाह जरूर विजिट करें क्योंकि और जगह से बेहतर और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में चीज़ें डालते हैं ये। ये प्लस इसमें हरी चटनी, हरे धनिए की और पुदीने की है। लोकेशन जो है ये वाटर पंप से पहले गुलबर्ग आता है, नसीराबाद का कट है, आइडियल पान वाले के बिल्कुल सामने, इस्लामिक बैंक। ठीक है। अच्छा, ये तो रेडी हो चुका है भाई, इसको अभी टेस्ट करने के लिए रेडी करते हैं, वहाँ पे टेबल पे लेके चलते हैं फिर चेक करते हैं। जी ये रेडी होके आ गई है गोलगप्पे की प्लेट। अगर अभी मैं आपको काउंट कराता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के 10 गोलगप्पे हैं ये। अभी मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ और जो है ये देखें आप, गोलगप्पा कितना बड़ा है ये चेक कर सकते हैं और अंदर कितनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं। इसमें मसाले इनके अपने बनाए हुए होते हैं और मीठी चटनी जिसके बारे में उन्होंने बताया, तो उसको ट्राई करते हैं। बहुत ख़तरनाक है गोलगप्पा भाई, मुँह में आके भूल गया। अच्छा जी, ये था मेरा सेकंड फूड व्लॉग और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि टेस्ट माशाल्लाह तक काफ़ी बेहतरीन है और एक अलग ही चीज़ है इनके सूप में और इनके गोलगप्पों में। तो आप ज़रूर आएँ और विज़िट करें इस जगह का और काफ़ी इन्जॉयमेंट भी होती है। रोड चल रहा है और मेरे सामने और यहाँ पर आप बैठे हुए हैं फैमिली के साथ, तो अलग इन्जॉयमेंट होती है। तो भाई ये थी मेरी नई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।